हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शेलार यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले वो है कि BYM M1 जो कि एक शॉटगन माइक है, उसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं। ये हमने परचेज किया आउटडोर शूट करने के लिए, मतलब कहीं हम ब्लॉग वगैरह बनाने की सोचेंगे या फिर बाहर जाएंगे तो आउटडोर के लिए इस माइक का यूज़ करेंगे। फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं BYM M1 जो कि ये हमने बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं। इसकी और इसके एडियो कंपेयर करके भी हम आप लोगों को दिखाएंगे और एक किस तरह से कैसा है सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो चलते हैं हम अनबॉक्सिंग की ओर। तो दोस्तों ये हमारा बॉय का BYM M1 जो कि हमने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक सब कुछ यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, मोबाइल के साथ, टैबलेट के साथ या फिर लैपटॉप के साथ या फिर कैमरा के साथ या फिर कैमकॉर्डर के साथ ईजीली ये कनेक्ट हो सकता है, ईजीली यूज कर सकते हैं। एक शॉटगन माइक्रोफोन है जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने लिखा है बोया BYM M1 और यहाँ पे खास कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर लेना है। बॉक्स को ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक यूज़र मैनुअल है, शायद ये पूरी तरह से इंग्लिश में प्रिंट किया गया है। इस यूज़र मैनुअल को हम कर लेते हैं साइड। एक कुछ वो एक तरफ से वारंटी कार्ड है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे एक हमें मिलता है होल्डर जो कि हमारे मोबाइल के ऊपर लगेगा, कोल्ड शू माउंट के ऊपर, इस तरह से यहाँ पे आया है बॉक्स वाला, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। और है एक केबल जो कि यहाँ पे लिखा है उन्होंने, देख सकते हैं माइक्रोफोन में, मतलब एक माइक में जाएगा और दूसरा साइड ये जाएगा स्मार्टफोन में, तो ये स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए लगेगा। जो कि स्मार्टफोन में फिलहाल हमारे स्मार्टफोन कैमरा को कनेक्ट नहीं होगा, इसके लिए हमें ओपन कैमरा वाला एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको भी साइड कर लेते हैं। इसके बाद ए वाला केबल है, ए वाला केबल ए साइड लगेगा, एल शेप वाला अपने माइक्रोफोन में, ए लगेगा कैमरा में। फिलहाल तो हमारे पास कैमरा नहीं, तो इसको भी हम कर लेते हैं साइड। ए सिलिका जेल है जो कि प्रोडक्ट ड्राई रखने के लिए यहाँ पर डाला हुआ, इसका कुछ यूज़ नहीं, इसको साइड कर लेते हैं। और एक है बोए की तरफ से एक अच्छा सा केस जो कि हमारा फेवरेट है, पुराने माइक्रोफोन के साथ भी हमें मिला था, तो इसको भी हम साइड कर लेते हैं। ये है उसका नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए दिया गया ऊपर का हिस्सा, जो कि ये बहुत अच्छा है आउटडोर शूट करते समय। यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग भी दी गई, तो इसको हम इससे निकाल देते हैं। ये काफ़ी अच्छा स्पंज है जिसकी मदद से सामने से जो आने वाला नॉइज़ है वो ईजीली कैंसिल हो जाएगा आउटडोर शूटिंग के लिए, तो इसको भी हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ आती है ए, तो ये दिखने में बहुत अच्छा है। और एक खास बात की जाए इसकी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वो एक ब्रांडिंग है BYM M1 लिखा है उन्होंने। और इस माइक के थ्रू आप इजीली बाहर आउटडोर शूटिंग कर सकते हो, इजीली इसका बैकग्राउंड नॉइस आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कैंसिल हो जाएगा इस पंच की मदद से, तो एकदम काफ़ी अच्छा है। वेट थोड़ा सा है जो कि आपके स्मार्टफोन के ऊपर, उसके लिए आपको अच्छा सा होल्डर यूज़ करना पड़ेगा। जो होल्डर हमने परचेस किया चाइना से वो आ रहा है, और आने के बाद आपको एक प्रोफेशनल सेटअप व्लॉगिंग का बना के दिखाएंगे। तो एक माइक्रोफोन है यहाँ से, यहाँ पे आपको ये करना है, आपको दिखाता हूँ स्मार्टफोन वाला। तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन वाला है, तो यहाँ पे ये वाला एल शेप वाला इधर आपको प्लग कर ले डाल देना है, और ये वाली साइड आपको मोबाइल में डालनी है। तो फिलहाल ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो रे बोया के BYM M1 के साथ, और ये BYM M1। तो फिलहाल हम ऑडियो को, मतलब फिलहाल माइक को बोया के BYM1 को साइड करके देख लेते हैं। आपको पहले स्मार्टफोन का वॉइस सुनाएगी, उसके बाद इसकी वॉइस सुनाएगी। तो फिलहाल हम माइक को निकाल दें, तो आप देख सकते हैं मेरा बोया का BYM M1 जो कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बोया का BYM1, इसको मैंने निकाल दिया। ये जो नॉर्मल वॉइस आ रहे स्मार्टफोन के डायरेक्ट स्मार्टफोन के कैमरा के साथ, तो इसको भी मैं साइड कर लेता हूँ। और फिलहाल इस माइक को मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर आप देख सकते हैं वॉइस में कुछ चेंजेस रहेगा या नहीं, बोया का ही सेम वहाँ पे रहेगा। तो फिलहाल इसको मैं पहले साइड कर लेता हूँ, इसको निकाल लिया।
उसको हम मोबाइल के साथ अटैच कर लेते हैं। तो अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो बोए के BY-MM1 की है, जो कि इस माइक्रोफोन की है। तो यहाँ पे आपको ऑडियो में कुछ चेंजेस लग रहा है या फिर ऑडियो अच्छा आ रही है नहीं, आप ही कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो मैंने तीनों का आपको दिखा दिया। स्टार्टिंग में जो मेरी वॉइस हो रही थी वो बोए के BY-MM1 की थी, जो कि इसकी थी। जो अभी फ़िलहाल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बोए के BY-MM1 जो ये है, इसके थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और अभी इसको निकाल के हम स्मार्टफोन का वॉइस आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने इसको निकाला है अपने मोबाइल से, साइड कर दिया। तो ये जो नॉर्मल वॉइस आ रही है ये आपको स्मार्टफोन की आ रही है। तो इसकी खास बात, नॉइज़ कैंसलेशन के लिए अच्छा है। इसको हम किस तरह से सेटअप बनाएंगे, एकदम प्रोफेशनली सेटअप बनाएंगे, उसके लिए हमने कुछ चीज़ें परचेस किए। एक बॉल हेड होता है जो कि ट्राइपॉड के ऊपर लगता है, वो बॉल हेड भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और उसके बाद एक मोबाइल होल्डर है जो कि इंडिया में नहीं मिल रहा, तो हमने उसे चाइना से मंगाया है। तो वो भी चाइना से डिलीवर हो जाएगा कुछ दिन में, जो कि चाइना पोस्ट से डिस्पैच कर दिया गया है। तो भाई बस यही एक स्मॉल अनबॉक्सिंग थी। ये वॉइस मतलब ये माइक आपको कैसा लगता है आप कमेंट में बोल दीजिए। ये मुझे पड़ा था लगभग 1750 को, फिलहाल ये 2000 या 2000 के ऊपर में है। मतलब 2000 के अंदर ये माइक इजीली मिलता है, नहीं 5000 तक लोगों ने इसे परचेस करके चाइना से इम्पोर्ट किया था, जो कि हमें इजीली फ्लिपकार्ट की सेल में मिल गया, 1750 को मिल गया, तो हमने इसे परचेस कर लिया। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।